सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपका दोस्त शाहरुख और आप देख रहे हो यस प्लम्बर। तो आज मैं जो सर्दियों में सबसे ज़्यादा चलने वाली चीज़ है उसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। तो आजकल क्या है, काफ़ी जनों के कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि जो सर्दियों में गीजर लगता है वो कौन सी ब्रांड का ले और कौन सा अच्छा रहेगा और वाजिब दाम में कौन सी कंपनी का मिल जाएगा। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये भी हम ले के आए थे गीजर क्रॉम्पटन का, जो सी जी के नाम से आता है। ये बहुत ही अच्छा लीटर 10 लीटर का है और 2000 वाट बिजली समथिंग करता है। 5-स्टार रैंकिंग का है, पावर सेविंग का है ये दोस्तों। लॉन्ग लाइफ और काफ़ी अपडेट लिख रखे हैं इसमें। तो ये 10 लीटर का है, कंपनी इसको 5 साल की वारंटी गारंटी में देती है, जिसके अंदर 2 साल की गारंटी और 5 साल की टैंक के अंदर की वारंटी देती है। तो आइए चलो खोलते हम। अभी सर्दियों में सबसे ज्यादा जो डिमांड जो है वो गीजर की है। तो आपके घर में अगर आप कुछ नया गीजर लेके आने वाले हो तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा कि ये गीजर जो है आपके लिए किस हिसाब से बेस्ट है। तो ये पैकिंग को खोल दिया है मैंने और सबसे पहले जो मेरे हाथ में आया है इसका कैटलॉग और वारंटी कार्ड है। स्मार्ट सॉल्यूशन, और इसके अंदर आप देख सकते हो की डिटेल दे रखी है, पास में ला के रखो। इसके अंदर पूरी टैंक की डिटेल दे रखी है कि आपका जो टैंक है वो कौन सा आउटलाइन है और कौन सा इनलाइन है और पानी जो गर्म होएगा उसके हिसाब से पूरा दे रखा है। आप इसको पढ़ के इंस्टॉलेशन कर सकते हो और इजीली वो हो जाएगा। तो इसके साथ में जो आने वाली चीजें है दोस्तों वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये पूरा टैंक का दे रखा है और ये शावर है, ठंडे गर्म का पॉइंट, ये नल वॉश बेसन का दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से यदि कभी कोई एयर आ जाती है, लाइन में पानी नहीं आता है, तो आप ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको, इसको आप ऊपर करोगे तो इसमें से जितनी भी एयर है वो पूरी की पूरी हवा निकल जाएगी, फिर पानी आना वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है ये सारी डिटेल में दे रखी है आपको, तो आप एक बार इसको पूरा पढ़ के और इसको देख लेना। तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए दोस्तों। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ऐसी वीडियो मैं नई नई लेके आता रहूँगा आपके लिए। तो सबसे पहले जो सामान मेरे हाथ में आया है वो ये है, जो मैंने आपको पिछली बार बताया था, जिससे एयर सर्कुलेट होती है और ये NRV का काम करता है। जो गर्म पानी जो है वो ठंडे पानी की तरफ ना जाए उसके लिए ये लगाया जाता है। ये NRV का काम करता है, ये हवा तो जा सकती है लेकिन यहाँ से वापस से बैक नहीं जाएगा ये पानी ठंडे में। तो एक तो ये है, सेकंड तो ये टैंक कुछ इस तरीके से दिखेगा डाउन के साइड में। इसमें देखो दोस्तों ये दे रखा है कि इस NRV का उपयोग जरूर करें। ये NRV लगाने से क्या होता है कि जो पानी ठंडे का जाता है उसमें बैक वापस से गर्म का नहीं आता है, नहीं तो क्या हाथ जलने का खतरा ज़्यादा रहता है इसी के अंदर। तो ये कुछ इस तरीके से इसका दे रखा है। तो आप इसको खोल के, और ये जो ब्लू कलर की जो पट्टी दे रखी है ये ठंडा पानी के लिए है, और जो रेड कलर की जो पट्टी दे रखी है ये गर्म पानी के लिए। तो आप जब भी गीजर लगाओ तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। और ये टेम्परेचर सिस्टम दे रखा है दोस्तों, ग्रीन लाइट और रेड लाइट। ये जितना आप यहाँ पर इसको घुमाओगे ऑफ की तरफ उतना ही कम गर्म, और जितना घुमाओगे
गर्म की तरफ, वहाँ पर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो गर्म हो सकता है वो है। तो ये डिटेल दे रखी है कि आप जो जिस तरीके से लगाने वाले हो तो उसके अंदर 10 लीटर में कितना गर्म होएगा पानी, ये सब चीज़ें दे रखी है। तो लगाते हुए समय एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो वायरिंग है वो प्रॉपर तरीके से आगे आप सेट कर दो। और ये देखिए, ये 10 लीटर का गीजर बहुत ही खूबसूरत है और इसकी जो कलर है मेरे को बहुत अच्छा लगा दोस्तों। ये कलर बहुत स्पेशल है, जो ग्रीन कलर है मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये इतना सा छोटा सा मिनी 10 लीटर का गीजर है, आप इसके अंदर अलग अलग आते हैं जो भी आपको लगाना है, अपने बाथरूम के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। तो बैक में आप देख सकते हो ये जो दो लॉक दे रखे है, यहाँ पर आप जो डील करके होल्ड करोगे फास्टनेट का उसके लिए दे रखे है, तो आप वो इजीली कनेक्ट करके उसमें जोड़ देना। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।